So hello students, very good morning to all of you out there. So this video is also regarding our newly launched course on organic chemistry, that is 100 days of organic chemistry, जो कि हम शुरू करने वाले हैं from 15th of September and that will end before 31st December 2024. तो बहुत ही अच्छी opportunity है सभी बच्चों के लिए जो भी organic chemistry अपनी strong करना चाहता है या फिर बेसिक से पढ़ना चाहता है एडवांस प्लस लेवल तक, लेकिन एक अच्छे टाइम पीरियड में. ऐसा नहीं कि एक साल डेढ़ साल लगेगा, 100 दिन लगेंगे, बट आपको रोज़ के रोज़ सिंसियर रहना है. ठीक है, आपको रोज़ के रोज़ सिंसियर रहना है. मैं अपनी तरफ से फुल डेडिकेशन प्रॉमिस कर रहा हूँ. अगर आप भी साथ में कॉपरेट करते हैं तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे हम इस कोर्स के साथ. ठीक है, एक और छोटे से क्वेरी का मैं आपका आंसर कर दूं कि जो हमारा 2025 वाला जो रिकॉर्डेड कोर्स था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल करा हुआ है. जो नंबर्स हैं रफली 800 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल्ड हैं. तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज था कि सर हमें अभी वही कोर्स करना चाहिए या फिर हम इसमें स्विच कर जाएँ. तो मैं बोलूँगा आप वही कोर्स करते रहिए, मोर देन इनफ है, बहुत डिटेल्ड है, सब कुछ है उसमें, कोई कमी नहीं है उस कोर्स में. ठीक है, आप वो करते रहिए. आप अभी अपना प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी जो आप बना के चल रहे थे उसको इधर उधर मत करिए, आप वही करते रहिए. हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन एकदम से शुरू नहीं की है, एकदम से शुरू ही नहीं की है ऑर्गेनिक की, तो फिर आप इस कोर्स में आ सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपके पास वो कोर्स है आप उसी के साथ करिए, सब कुछ है उसमें, कोई कमी नहीं. ठीक है, और जो भी बच्चा नया है अभी, जो या फिर जो जिसने कहीं और ऑर्गेनिक पढ़ी है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, या फिर एक रिवीजन भी चाहता है कि चलो 100 दिन में मेरा पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगा एक बार अच्छे से, तो मोस्ट वेलकम है, आपके लिए ये कोर्स है, आप आ सकते हैं. तो 15th of September से हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं. तो जो डिस्काउंट का हमारा उसमें पीरियड था उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 15th of September. कोर्स का प्राइस था हमारा 2499, जिसमें 500 डिस्काउंट करके 1999 पे ये कोर्स अवेलेबल है, और ये रहेगा टिल 15th of September जब हमारा कोर्स शुरू होगा. तो शुरू होने तक ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा. तो जो भी बच्चे अभी जिन्होंने ये कोर्स नहीं लिया है और ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं अच्छे से सिंसियर होके, तो बिल्कुल आप अभी जाएं, KemIIT ऐप इंस्टॉल करें. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहां से आप 100 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके कोर्स होगी जिसमें अभी सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर का कंटेंट डला हुआ है. आप उस कोर्स को ले लीजिएगा, 100% लाइव क्लासेस होंगी उस कोर्स में, और जो कोर्स की डिटेल है उसके लिए आई बटन में जो वीडियो है, जो हमारा जस्ट प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो है कोर्स लॉन्च का, आप उसको ज़रूर देखें. वहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर सीक्वेंस बताऊँगा. बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या चैप्टर सीक्वेंस फॉलो होगा. देखिए, जनरली जो मैं ऑर्गेनिक में चैप्टर सीक्वेंस फॉलो करता हूँ वही फॉलो होगा इसमें. ठीक है, और सब कुछ कवर होगा. नाम आपको चैप्टर के हो सकता है लगे थोड़े अलग हैं, कुछ ऐसा है NCERT में ये चैप्टर नहीं है, बट सब कुछ है, आप भरोसा रखिए. ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के गए हैं हमसे 2 साल, बहुत टॉप रैंकर बच्चे पढ़ के गए हैं. तो किसी ने कोई शिकायत आज तक तो नहीं की है कि सर ये रिएक्शन नहीं कराया, वो रिएक्शन नहीं कराया. हर रिएक्शन कराया जाता है, हर एक रिएक्शन जो कि कहीं ना कहीं नज़र में है मेरे कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो उस लेवल तक हर रिएक्शन ऑर्गेनिक में आपको करा दिया जाएगा. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी थ्योरी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आर मोर देन इनफ. ओके, तो ये हमारे चैप्टर सीक्वेंस है. देखिए, IUPAC ये जो आपको खुद से करना है, मैंने पहले बताया मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप चाहें यूट्यूब से करिए, ऐप में भी लेक्चर डले हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, सेम है दोनों लेक्चर्स. देन वी विल बी डूइंग आइसोमेरिज्म, जिसमें हम स्ट्रक्चरल स्टीरियो पूरा साथ में करेंगे. स्टीरियो में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब कुछ हम साथ में करते हुए आगे चलेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल को 12th के लिए छोड़ेंगे,
ज्योमेट्रिकल को इलेवेंथ में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई इलेवेंथ ट्वेल्थ नहीं है इसमें, ठीक है, कोई इलेवेंथ ट्वेल्थ नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई इलेवेंथ नहीं कोई ट्वेल्थ नहीं, ये हमारा चैप्टर सीक्वेंस है। तो कंप्लीट स्टीरियो हम करेंगे, उसके बाद हम जीओसी करेंगे। तो देखो जीओसी के कुछ लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, अभी 5 या 6 लेक्चर अपलोड हुए हैं, वो अपलोड होते रहेंगे, उसके लिए सेपरेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, वो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये हम जो कोर्स में करेंगे ये राइट फ्रॉम लेक्चर 1, तो जो बच्चा एनरोल हो चुका है वो सीधे कोर्स में ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए, अभी कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में ध्यान दे सकता है। तो राइट फ्रॉम लेक्चर 1 हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ माई कोर्स इज रिएक्शन मैकेनिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आप ऑर्गेनिक में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे देखेंगे वहाँ भी रिएक्शन मैकेनिज्म पे 24 या 25 लेक्चर्स हैं मेरे, और हर लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ कराया गया है, रफली 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट के लेक्चर्स हैं और 24-25 लेक्चर्स हैं, बहुत सारा कुछ कॉन्टेंट रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो करा देता हूँ मैं, दैट इज़ एल्डिहाइड। देखो बहुत सारे रिएक्शन तो इसी में कवर हो जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, इतना ज़्यादा पढ़ाता हूँ उसको मैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस कवर हो जाते हैं। आप अगर देखोगे मेरा पुराना कोर्स तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक पे लगभग 15-16 लेक्चर्स हैं, तो 15-16 लेक्चर्स भी बहुत होते हैं मेरे, 15-16 तो बहुत होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म 24-25 लेक्चर है, ये 15-16 लेक्चर्स हैं। तो इस तरह से आप ये समझिए कि ये दोनों चैप्टर्स हमारे काफ़ी बड़े रहने वाले, और बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे हम इन दो चैप्टर्स में। इसके बाद चैप्टर्स हल्के हो जाएंगे, इसके बाद चैप्टर थोड़े हल्के हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक हैलाइड्स, ये थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के जो मेजर रिएक्शंस हैं वो हम एल्डिहाइड कीटोन्स और रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट कर लिए होंगे, तो ज़्यादा रिएक्शंस बचेंगे नहीं, बट कुछ फैक्चुअल रिएक्शंस बचे होंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक हैलाइड्स जो आप एनसीईआरटी में पाएंगे हेलो अल्केन्स के नाम से, हेलो अल्केन्स हेलोरीन्स नाम से पाएंगे, वो भी हम इसमें करेंगे। सर ये छोटा कैसे रहेगा? छोटा इसलिए रहेगा बिकॉज देखो ऑर्गेनिक हैलाइड्स अगर आप एनसीईआरटी देखें तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, वो हमने स्टीरियो में कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें SN1 SN2 E1 E2 ये सब की बातें हुई है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इनकी बातें हुई हैं, तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इनकी बातें हुई हैं, तो ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में कर लिया, तो उसका मेजर पोर्शन तो वहीं कवर हो चुका है, ठीक है, इसलिए ये चैप्टर छोटा पड़ेगा थोड़ा। फिर बात आती है सर क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड वो भी तो है, हेलोअरीन भी तो है, हाँ हेलोअरीन है, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो इस एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर हम हर तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ते हैं। जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म हमने ऊपर पढ़ लिया, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया ऊपर, इप्सो सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, वो पढ़ लिया। बट अभी वो रिएक्शंस पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के लिए कैसे काम करते हैं, लाइक फिनॉल के लिए, फिनॉल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरे प्रिपरेशन पूरे केमिकल रिएक्शन, एनिलिन के लिए, इवन नाइट्रोबेंजीन जैसा कंपाउंड इतना डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है, आपको नाइट्रोबेंजीन की डिटेलिंग जनरली बुक्स में या दूसरे कोर्सेज में नहीं मिलती, यहाँ आपको कराई जाएगी। नाइट्रोबेंजीन पे लगभग 1.5 लेक्चर हमारा है, ठीक है, तो बहुत डिटेल में यहाँ भी कराया जाएगा आपको। तो ये एरोमेटिक केमिस्ट्री, एंड देन ये जो चैप्टर हैं थोड़े हल्के चैप्टर्स हैं, लाइक एलिफैटिक एल्कोहल्स, अब ज़्यादा कुछ बच नहीं जाएगा, तो एलिफैटिक एल्कोहल्स अमीन्स एंड एथर्स, तो इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे हम एलिफैटिक एल्कोहल्स अमीन्स और एथर्स के, छोटा रहेगा ये भी चैप्टर, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसमें नहीं रहेंगे। देन वी विल कंपाइल एवरी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होता है कि जब हमने वो पूरे चैप्टर पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ लिए, CrO3 अच्छा ये करता है, K2Cr27 ये करता है, LiLH4 ये करता है, इस तरह से हमने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिए, बट ना सब कुछ थोड़ा स्कैटर्ड वे में रहता है, सब कुछ थोड़ा स्कैटर्ड वे में रहता है। तो ये वाला जो चैप्टर हमारा रहेगा इसमें हम सभी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को एक जगह कंपाइल करके आपको लिखाएंगे, इससे आपको पुराना जो रिएक्शन है वो रिपीट होगा, बहुत सारा रिपीट होगा, बट क्या है पूरी लिस्ट जो है आपके पास एक बार में आ जाएगी।
तो लिस्ट आपके पास एक बार में आ जाएगी तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ऑल्दो छोटा ही रहेगा, दो तीन लेक्चर से ज़्यादा इसमें होंगे नहीं, बट काफ़ी काम के रहेंगे ये लेक्चर्स। देन कम्स बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स तो ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा रहता नहीं है चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइटमिन्स मिनरल्स वो सब तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये अलग टाइप का चैप्टर हो जाता है। बट हाँ, इसको हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। एंड देन वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आप जो जिडाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, नाइट्रोजन एस्टिमेशन ये सब पढ़ते हैं, वो कम्प्लीटली एक बार आपको पढ़ाया जाएगा एट लास्ट। इम्पॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। जेई एडवांस में दो साल से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है, पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, हम भी पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है इसके बाद, ये सब करने के बाद देखो लेक्चर्स के बीच में भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करेंगे। जैसे चैप्टर चल रहा है तो किसी बीच में एक दो क्लास हम सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, बिकॉज वो अप्रोच आपको मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत अच्छे से अप्रोच समझाऊंगा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स बीच में एज अ सैम्पल लेते हुए हम वो करते रहेंगे, और उसके बाद जो हमारे कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स हैं जो कि 25 वाले कोर्स में भी हैं, जो रिकॉर्डेड कोर्स हमारा अवेलेबल है, तो वही प्रॉब्लम्स आपको यहाँ भी उसका एक्सेस मिल जाएगा। 500 प्लस प्रॉब्लम्स हैं विद कंप्लीट वीडियो डिस्कशन। तो ये करने के बाद, ये आप कोर्स के बाद भी कर सकते हैं, आफ्टर 31st December आप अपने हिसाब से ये 500 प्रॉब्लम्स को खुद से कर सकते हैं, और एडवांस के PYQs कर लीजिएगा। एडवांस के PYQs का भी पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो बस हो गया, इसके बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं हो जाना है। इतना कर लीजिए। कोई अगर बुक पूछता है बच्चा, तो मैं बुक सजेस्ट नहीं करता ऑर्गेनिक के लिए। कुछ जो क्वेश्चंस मैं दूंगा, जो होमवर्क दूंगा बीच में, जो भी मॉड्यूल आपको बना के दिया जाएगा चैप्टर वाइज, आपको वो क्वेश्चंस करने, ठीक है। जितना जब क्वेश्चंस बोला जाए उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जब आपका ये पूरा काम हो जाता है, फिर आप अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी बुक चाहें आप करिए, सब बनेगा, सब बनेगा। जो बुक, जो मॉड्यूल आप पसंद करना चाहते हैं आप करिए, वो सब बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था मुझे चैप्टर सीक्वेंस के बारे में, बच्चे थोड़ा क्यूरियस हो रहे थे, तो यही बात बतानी थी। और डिस्काउंट जो है हमने 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्लीज़ थोड़ा एक्सटेंड कर दो। मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कल एनरोल भी किया है हमारे साथ, तो बस यही फिर से बोलूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप आइए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और फुल ऑन डेडिकेशन के साथ यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा अगले 100 दिन। ओके, शेयर भी करिएगा वीडियो को जहाँ भी आप, जो भी आपको लगता है कि हाँ यार इसके साथ शेयर किया जा सकता है, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए, अगर हमारी कोर्सेज आपको पसंद आती हैं तो कमेंट करके आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।